अमेठी में आज शाम जानवर चराने गए बच्चों को खेत में शिवलिंग दिखाई दिया। शिवलिंग मिलने की सूचना पर देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई। खेत में शिवलिंग निकलने की सूचना मिलते ही एसडीएम ओ की अगुवाई में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने शिवलिंग को उठवाकर पास में ही मौजूद शिव मंदिर पर रखवा दिया। दरअसल ये पूरा मामला जायस कोतवाली क्षेत्र के कस्बा स्थित रायबरेली रोड का है, जहां हाईवे किनारे काशीराम आवास बना हुआ है। यहीं पर आज शाम कुछ बच्चे जानवर चरा रहे थे, तभी उनको मिट्टी में शिवलिंग नुमा पत्थर दिखाई पड़ा। पत्थर पर एक सांप की आकृति बनी हुई थी, जिसके बाद बच्चों ने इसकी जानकारी वहां मौजूद लोगों को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और देखते ही देखते वहां सैकड़ों की भीड़ पहुंच गई। मौके पर मौजूद भीड़ ने शिवलिंग निकलने की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मच गया और तिलोई डीएम फाल्गुनी सिंह, सीओ अजय सिंह, कानूनगो लेखपाल और प्रशासनिक अमले के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। आसपास में जांच के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने शिवलिंग को सुरक्षित उठवाकर पास ही मौजूद शिव मंदिर में रखवा दिया। तो आपने देखा था सबसे पहले? नहीं, पहले लड़का खोदा, मतलब खेल रहा था, वहाँ पर से देखा पहले हटा रहा, इस टाइम वहाँ लड़का निकालने लगा तो देखा, फिर उसके बाद खोदी सुबह एक दो लड़का और रहे हैं, देखने के बाद बाहर निकाल ली, तो हम भी वहाँ पहुँचे। देखने के बाद में लड़का पहले हम आओ पहले मुंह धीन रहा होगा, फिर वो इतना रख के गाड़ धीन रहा, देखें फिर उसके बाद लड़का बताए कि सब भीड़ लग गए कि यहाँ पे गाना लेते हैं, मूर्ति निकली, मूर्ति निकलने के बाद सब लोग फिर इकट्ठा होकर के इतनी बात क्या निकला, क्या भोले बाबा की मूर्ति, शिवलिंग है, शिवलिंग